यमुनानगर जिला सचिवालय में आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रंजीतपुर पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और धार्मिक नारे लगाकर अपना विरोध भी जताया। मामला रंजीतपुर पुलिस चौकी इंचार्ज सुरेंद्र पाल के खिलाफ है, जिसमें कार्यकर्ता सुमन लता, जो कि यमुनानगर के गांव मुगलवाली की रहने वाली हैं, उसने बातचीत में बताया कि कुछ दिनों पहले वह अपने घर के बाहर ट्रॉली ट्रैक्टर से भूसा उतार रहे थे कि उस दौरान ट्रैक्टर में तेल खत्म हो गया, जिसके कारण भूसा उतारने का कार्य कुछ देर के लिए रुक गया। कुछ देर बाद विभाग रंजीतपुर पुलिस चौकी इंचार्ज और उनके पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सुमनलता नामक महिला से अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसी मामले को लेकर आज यमुनानगर जिला सचिवालय में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चौकी इंचार्ज रंजीतपुर के खिलाफ प्रदर्शन किया और SP यमुनानगर महोदय के कक्ष के बाहर हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध जताया। इस दौरान जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए बैरिकेड को पार करते हुए जबरन जिला सचिवालय के अंदर घुस गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई, लेकिन प्रदर्शनकर्मी DC कार्यालय से होते हुए ऊपर SP कक्ष के बाहर पहुँच गए और उन्होंने बजरंग दल जिंदाबाद के नारे लगाकर अपना विरोध जताया और पुलिस अधीक्षक यमुनानगर मोहित हांडा के कक्ष के बाहर विरोध स्वरूप हनुमान चालीसा पढ़कर अपना विरोध जताया और साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस को 3 दिन का समय दिया है कि अगर इस मामले में पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो आगे इस मामले को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं मुगलवाली की हूँ जी। मैम, हुआ क्या जो आज आप SP कार्यालय पहुँचे? सर, हम जिम्मेदार हैं, जैसे कि हमारी भूस की ट्रैली और ट्रैक्टर गली में आया तो वहाँ पे ट्रैक्टर जैसे भूस उतारने लगे तो ट्रैक्टर में तेल खत्म हो गया, बच्चे तेल लेने चले गए। मेरे को नहीं पता कि ये कोई राजनीतिक रंजिश है या किसी, मेरे को नहीं पता किसने उनको फोन किया या खुद आए। तो वहाँ पे 4-5 पुलिसकर्मी आए और मेरे को बोला कि ये ट्रैली किसकी है। मैंने कहा सर ये ट्रैली मेरी है, मैं अंदर से ही बोली। कहता कि इसको बाउंड करेंगे, हम चौकी में ले जाएंगे। मैंने कहा सर ले जाओ, गलती बताओ। कहता कि तुमने रास्ता गिराव किया। मैंने कहा सर मैंने किस लिए किया, मैं तो जिम्मेदार हूँ, भूस है इसमें, किस लिए गिराव किया मैंने। कहता कि तुम्हें इसको रास्ते में इधर लगाओ, हरामजादी तू अंदर से बोलती है, तेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कराया जाएगा। मैंने कहा सर 2 मिनट रुको, मेरे बच्चे तेल लेके आ रहे हैं, तेल इसमें डाल जाएगा, हम अंदर कर लेंगे। अब देखो पास से दूर तक देखो आप सर कि हर जगह बुकी खड़ी, कहीं ट्रैक्टर खड़े, कहीं ट्रेलर खड़े, ये तो साइड में खड़ी, जबकि वहाँ पे सब क्रॉस हो रहे थे कि ट्रैक्टर ट्रैली भी जा रहे आ रहे थे भैया। ठीक, उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बोले कि पूछने, मैंने ये भी कहा कि मैं कानून की इज्जत करती हूँ, इस प्रशासन में मेरे हर एक रिश्तेदार बैठा है भाई, आप भी हमारे भाई हो, आप वर्दी की कम से कम वो तो कर लो। पर वो नहीं माने, 5-6 कर्मी थे जो गेट के अंदर वो थी ना उसके बीच में भी झांकते रहे। तो मेरा ससुर बेचारा भोले से, वो रिटायरमेंट है मिलिट्री से, वो कहते कि बेटा इधर आ जाओ, ये तो पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। मैं इधर बैठ के, कहते कि अंदर बैठ गए डर के। तो क्या रंजीतपुर चौक पुलिस चौक के कर्मचारी थे? हाँ जी। तो आज किससे मिलने आए आप लोग? मैं SP से मिलने आई जी। तो क्या हुआ, अभी मुलाकात हो पाई है? नहीं सर, मुलाकात तो हुई नहीं है। ठीक, ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।